and welcome back to my channel. My name is Juhi and in today's video I'm showing you this makeup look. I did the graphic eyeliner look and I didn't use any eyeshadow. I just applied. Watch this full video and get to know how I achieved this graphic eyeliner look. So I hope आप सभी का न्यू ईयर 2021 बहुत अच्छा जाए. जो भी आपके न्यू अचीवमेंट्स है, न्यू टारगेट्स है, न्यू गोल्स है, सब पूरे हो. आई एम सेंडिंग ऑल द पॉजिटिविटी एंड ऑल द पॉजिटिव वाइब्स टू यू. होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू नो मोर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस लुक. सो या विदाउट एनी मोर ब्लैबलिंग लेट्स गेट इन टू वीडियो. This is what I'm wearing right now for Christmas. I'm wearing the boots, then socks. I will add this boots and socks link in the description box. And Merry Christmas! So coming to the first step is to moisturize your face. It's very very important during winters. So मैंने आज 3 से 4 लेयर्स लगाई है मॉइस्चराइजर की. बिकॉज इफ यू वॉन्ट वेरी परफेक्ट बेस और द फ्लॉलेस बेस, मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप पर आती हूँ और वो है प्राइमर. सो राइट नाउ आई एम यूजिंग नायका प्रेपमियर फेस प्राइमर. इग्नोर माई नेल्स बिकॉज आई थॉट मैं फेक नेल्स लगाऊंगी, बट सारे फेक नेल्स घूम. Just going to apply it where my open pores are there and thoda bahut face pe. I've also recently made a video on top 3 moisturizer. It's very affordable moisturizer aur sare skin type ko suit karega, kyunki meri skin acne aur oily hai. So tab bhi maine 3 se 4 of layers of moisturizer lagaya hai. As you can see, I have some red spot. ये active pimple है. थोड़ा red spot इधर 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 है. To cover those, I'm gonna use this Pro Concealer HD High Definition Concealer in the green. I'm just going to apply where the redness is there. ओके, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं वहाँ मैंने ग्रीन कलर का कंसीलर लगा दिया. अब मैं इसको सिर्फ टैप करूँगी विथ माई फिंगर्स. डिपेंड करता है स्किन टू स्किन की. आप अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो यू कैन कैंसिल आउट विद द अप्लाइंग द रेड कलर. और अगर रेड कंसीलर नहीं है इट्स ओके, रेड लिपस्टिक लगा सकते हो आप. For the foundation, I'm going to use these two foundation. I'm going to mix both of them with the moisturizer also. Now I'm going to blend my foundation with this brush. This is the PAC 265 brush. Now I'm going to apply the concealer. Now I'm going to blend it with the sponge. After concealer, now we are going to bake the under eye ताकि वहाँ पर क्रीज लाइन ना क्रिएट हो. ऑल्सो यहाँ पर साइड में ना ऐसे छोटे छोटे से रिंकल्स होते हैं ना, तो उधर बहुत ऐसे लाइन्स बन जाती है. एंड टू अवॉइड दैट आई एम गोइंग टू शो यू वन सिंपल ट्रिक. स्टे पुश योर स्किन like this downwards and फिर यहाँ bake करो. इससे जितनी भी crease line जो create होने वाली है वो नहीं होती. Also I've made the winter makeup look. If you're interested then I've already added the link description box, so do check it out. उस वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते जा रही हूँ. सो इस वीडियो को एंड तक देखना. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द ब्लश एंड
सेम मैं ब्रश से अप्लाई करूंगी। आई एम जस्ट डैबिंग इट बिकॉज हमने जितने भी एक्ने स्पॉट या पिंपल्स के रेडनेस छुपाई है हम उसको मेंटेन करने के लिए हम सिर्फ डैब करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको ऐसा ड्रैग करेंगे जस्ट लाइक दिस तो जितनी भी चीज़ें हमने लेयर्स बनाई है वो सब हट जाएंगे एक ही बार में, तो हमें डैब करते हुए चलना है आगे। अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे और उसके लिए मेरे पास के ब्यूटी का कॉन्टोरिंग स्टिक है। अब मैं जॉ लाइन को डेफिनेशन देने के लिए नाउ आई एम गोइंग टू डस्ट ऑल द पाउडर। Now before moving towards the eye makeup, I'm going to set my entire makeup. Now I'm going to highlight and I'm going to highlight with this. I'm going to highlight my bridge of the nose. Eyebrow and I'm going to fill my eyebrow with this Nykaa eyebrow pencil. This comes with a 2 cap where you can first comb your eyebrow and then fill it. I generally just fill my eyebrows because मेरी eyebrows already बहुत thick है, जस्ट जरा सा उसको फिल करती हूँ ताकि वो एक प्रॉपर शेप में दिखे। बिकॉज इट्स क्रिसमस सो हम थोड़ा आईज पे डिफरेंट काम करेंगे एंड हम रेड आई लाइनर लगाएंगे। एंड इफ यू डोंट हैव द रेड आई लाइनर इट्स ओके, हम लिपस्टिक से आई लाइनर लगाएंगे एंड लेट मी शो यू हाउ। ओके, टेक any red color lipstick and what you need to do is take the flat brush, this is from Beka eyeshadow brush in the M size. So basically agar aapke paas ye nahi hai but agar aapke paas painting brush hai thin jo aata hai jo bahut patla aata hai usse bhi aap create kar sakte hain eyeliner। फॉर द बेस सबसे पहले क्रीम कलर लूंगी मैं ताकि एक अगर आपके पास आई शेडो भी है जिसमें रेड कलर है गो विथ इट, बट कभी कभार होता है ना वो पिगमेंटेड नहीं होता या फिर इतना हाईलाइट नहीं हो पाता रेड कलर, तो क्या करना फ्लैट ब्रश लेना और अगर आपके पास मेकअप सेटिंग स्प्रे है तो उसको ब्रश पे डाल के फिर अगर आप लोगे आई शेडो लोगे तो वो अच्छा उसका अमाउंट ऑफ यू नो कलर आएगा और फिर वो अच्छे से अप्लाई हो सकता है आपके आईज पे। बट फॉर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू यूज द लिपस्टिक एज द आई लाइनर, थोड़ा सा लेके आई लाइनर क्रिएट करेंगे। वाह, थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी क्योंकि आज हम ग्राफिक आईलाइनर बनाने वाले हैं।
Now let's move forward. So I'm taking this highlighter again, and now I'm going to highlight this area. Now the fun part, and this is the first time I'm attempting this, and I'm going to highlight the inner corners of this graphic eyeliner. I'm again taking this brush, the flat brush, and taking the highlighter. Oh my god, I'm so nervous. Dust the excess and let's see how it goes. Oh my god, I'm so nervous. Just need to highlight the inner corner of this. Okay. This type of graphic eyeliner look, I'm doing this for the very, very first time. Please share your comments. Tell me how does it look. And tell me whether you are going to try this look this Christmas or not. I'm going to do on this side too. So coming to the last step of this whole eye makeup is taking the red eyeshadow and but if you want कि हम थोड़ा और dramatic उसमें जाए तो आप eyelashes भी लगा सकते हैं. But in this look, I'm not applying any eyelashes. I'm going to apply the mascara. So coming to the last step is to apply the lipstick. And मैं lipstick वही लगाऊंगी जो मैंने eyeliner के लिए use किया है. So that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this video and found this video very useful. Don't forget to give this video a big fat thumbs up if you like it and found this video more informative and creative. And also, don't forget to subscribe to my channel now and press the bell icon so that you will never miss any videos of mine. I will see you in the next video. Bye bye.